एक तरफ तो सरकार प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और प्रशासन तक इस महामारी को हराने के लिए पूरी तरीके से टिके हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इस महामारी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गरीबों के लिए आगे आ रहे हैं। हमारे साथ है जोगिंदर सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं। जोगिंदर सिंह जी, कितना मतलब बड़ी ये आपदा है और आपने क्या सोच कर दिया है, क्या आपके मन में आया कि हाँ मुझे भी ये करना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों? आप लोगों को भी सब पता है ये जो बीमारी कोरोना जो है पूरे वर्ल्ड वाइड फैल चुका है, इसकी कोई दवाई अभी तक बनी नहीं है। तो जितना हो सके तो हमारा परिवार आज नहीं उससे पहले भी जो बाड़मेर के लिए जो भी विपदा आई है उसके लिए हमेशा तैयार रही है। 2006 में जब बाढ़ आई थी उसको लेके, उसके बाद भी जो भी हर टाइप की जो हेल्प थी सरकार को चाहिए, बाड़मेर के प्रशासन को चाहिए, वो हमेशा के लिए तैयार थे। और हम दोनों भाइयों ने भी यही सोचा कि क्यों नहीं उसको कंटिन्यू रखें, और जो भी अगर हमारे से जो बन सके, तो जो CM रिलीफ फंड में हमने 5 लाख रुपए का चेक दिया, उसके बाद कलेक्टर साहब से बोला है होटल भी हमारे हैं उसको आइसोलेशन के लिए बनाना चाहें तो वो भी रेडी हैं। दूसरा गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन की सामग्री, मेरे पास ट्रक व्रक गाड़ियाँ, अगर वो भी लास्ट मोमेंट में अगर रिक्वायरमेंट है तो मेरे ड्राइवर और सबको रेडी किया है, वो भी हमेशा उपलब्ध रहेंगे सरकार के साथ, और हमारे से जो बन सके हम हमेशा तत्पर रहेंगे इसके लिए। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गरीबों के जो गांव के लोग या जो दिहाड़ी करते हैं उनके लिए भी कुछ सोचा है कि उनको ऐसे कुछ सामान दिया जाए ताकि वो, क्योंकि आने वाला टाइम तो और कुछ ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम भोजन पैकेट का भी हमने रिक्वेस्ट किया, जितने उनको चाहिए वो भोजन पैकेट हम बना रख देंगे, और जैसा जैसा प्रशासन बोलेगा हम प्रशासन के हिसाब से उनको भेज देंगे, फिर वो अपने सब प्रशासन अपने हिसाब से जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ भेज देंगे। सर, आपका होटल्स कितना बड़ा है जो आपने जिसके लिए प्रपोज किया है ट्रेलेशंस बनाने के लिए? मेरे पास 3 होटल हैं, तो एक में 50 रूम है, एक में 12 है, तो इस टाइप से मैंने उनको बोला 50-60 रूम की आपको आइसोलेशन की ज़रूरत हो जब भी तो मेरा होटल रेडी है, 24x7 हम रेडी हैं आपके लिए, और बाड़मेर की जनता के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। ये जोगिंदर सिंह जी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक ऐसी महामारी है जिसके सरकार अकेली नहीं लड़ सकती, हम जैसों को आगे आना चाहिए ताकि कोई जिले का गरीब भूखा ना रहे, इसीलिए उन्होंने 5 लाख डोनेट किए। इसके साथ ही खाने पीने के साथ ही अपने जितने भी होटल्स थे और जितने भी व्हीकल्स थे वो प्रशासन को कर दिए, उसका उपयोग प्रशासन किसी भी इमरजेंसी में कर सकता है। दिनेश बोरा, बाड़मेर।